क्या मतलब है मैडम, 14 साल हो गए, अब जाने दो, आप अपना नया जिंदगी जी तो जियो, इनको अपनी जिंदगी जीने दो, जो आपको एलिमनी चाहिए दिलवा देते हैं आपको, यहाँ रिजॉल्व कर देते हैं। नहीं, कलंक की बात नहीं है, ये तो आपसी समझौते की बात है, कलंक क्या है इसमें। अब आप खुद सोचो, 2008, आज 2022 आ गया, 14 साल तो हो गए आपको, अब कहेगा कलंक। ये तो जिद वाली बात है। बट दिस से मे बी आई डोंट नो, वी डू नॉट नो वेदर ही हैज मैरिड। ये आपके एलिगेशंस हैं, ये रिवर्ट भी करेंगे उस चीज को, जैसा वी डू नॉट नो, बट वी आर ऑलवेज यू नो इन लुक आउट फॉर अ चांस टू इंश्योर दैट पार्टी सेटल डाउन। आफ्टर ऑल बोथ ऑफ यू शुड लीड अ हैप्पी लाइफ, अच्छी जिंदगी जियो। लेकिन ये कसम खा के बैठना, नहीं ना हम खुद ठीक से जिएंगे ना इनको जीने देंगे, ये बात तो गलत है ना। अब जो हो गया सो हो गया, क्या करोगे उसके लिए, 14 साल तक सब चल रहा है। मलोर्स, इसके अलावा मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में मैडम की बात को थोड़ा सा रोक करूँ। इस 14 साल के दौरान मलोर्स, एक कंडक्टर किसी आदमी का अपना बोलता है, आपने कभी भी ये कोशिश नहीं की रिश्तेदारों की? अगर आप उसमें जाओगे तो फिर वी विल इंटरिंग इन टू इन लॉजिकल फाइट। मलोर्स, आई एम नॉट गोइंग इन क्वेश्चन टू दैट। क्वेश्चन आपने ओनली दूसरी इज शादी भी कर ली है। क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हम उन एलिगेशंस पे जा ही नहीं रहे हैं, उसका कोई एंड ही नहीं है। 4 बार आप कुछ बोलोगे, 4 बार ये कुछ बोलेंगे, और अल्टीमेटली मुकदमा बढ़ जाएगा। आज की तारीख में इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसमें ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। 14 साल बाद तुम्हें क्या मिलेगा इस आदमी के साथ में? जो आदमी अभी इसको, इसी को तो बोला जाता है, साथ 1-2 महीने से ऊपर रहे नहीं, तुम 14 साल से अलग रह रहे हो। अब इस जो अलग लड़ना है कि दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये कहाँ का उचित है? नहीं, ये तो लड़ी नहीं रही थी, ये तो आपने कर बैठे हो। मैं क्या बोल रहा आपके हूं तो दिमाग में पड़ा अब, होगा ये कि उन्हें तो अपील हो गई कि उन्होंने डायवोर्स पिटीशन लगाई थी। मैं ये दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर इनको सर्विस नहीं हुआ या इनको ये कंटेस्ट नहीं कर पाए, वो दीगर बात, ये तो फैक्ट है ना कि 2008 के बाद साथ नहीं रहे ये लोग, ये तो फैक्ट है ना। तो 14 साल तो हो गए कि नहीं हुए, ऊंचा बोलो, सुनने में आया हाँ, ना। 14 साल हो। फिर ऐसी स्थिति में तो दोनों को अलग जिंदगी जीना चाहिए। और 14 साल ऐसा भी नहीं है कि जो 8-10 साल साथ में रहे हो फिर 14 साल नहीं रहे हो, शादी के तुरंत बाद ही अलग हो गए। साल 6 महीना क्या होता है 14 साल के सामने? तो वो तो चलता रहेगा मुकदमा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं मैडम, इसमें ज्यादा आप भावुक इसलिए मत हो, प्रैक्टिकल बात है। मैं चाहता हूं कि आप भी अच्छी जिंदगी जियो और ये भी अच्छी जिंदगी जिए। जो हो गया छोड़ो उसको, हम आपको एक एक मुश्त पैसा, नहीं, नहीं जिंदगी आप अच्छी बिताओ, हम भी चाहते हैं। परमानेंट एलिमनी के लिए कहा, पर हाँ तो आप बता दो, कोई वो उसके लिए बात दीगर नहीं, इस पेशी अगली पेशी में, रिप्लाई है। इसकी अगली पेशी में आप फिर समझाओ उनको। हो सकता है अभी भावुकता में कुछ नहीं बोल पा रही है, अगली बार आके समझ लो। तो इसका रास्ता कुछ है और है नहीं, ये अब ये अपील 2019 की है, कब हियरिंग में आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो बेटर एक्चुअली कोर्स इनको ये है, डायवर्ट लेने की इनको जल्दी इसलिए है कि इनकी नौकरी चली गई अरे लॉ में। बाबा मैं कहता हूं इनको जल्दी हो या देर हो उसमें क्यों जाते हो, ये कुछ ना करते हो कुछ करते हो उससे क्या मतलब है हम लोगों को? हमको मतलब है कि दो मियां बीवी सामने हैं, वो खुशी खुशी घर जाए।
अब 14 साल का पीरियड निकलने के बाद कहाँ से खुशी मिलने वाली है दूसरे को, सिवाय इसके कि वो एक दूसरे में ताने कसें, एक दूसरे के खिलाफ में बोलें और समाज में अपना अपनी हंसी उड़वाएं। आप खुद सोचिए, इसी को बोलते हैं ना, लव इज लॉस्ट, इमोशंस आर ड्राइड अप। क्या लव है इनके बीच में, इस रिश्ते में मानो कोई जान बची नहीं, क्या अफेक्शन है कि भी आप बताइए मेरे, जो 14 साल से अलग इनके बीच में क्या ऐसा रिलेशनशिप है सिवाय इसके कि भाई 2008 में शादी हुई थी। मतलब चीज को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, कि जो हम पेशी बढ़ा देते हैं, लेकिन आप इसको समझाओ कि कुछ हो, साथ में रहने की काबिल सिचुएशन हो, दोनों की मानसिकता इस प्रकार की हो, साथ रह सकते हैं इतने साल के बाद, समझ में आता है। नहीं तो क्या होगा, आप लड़ते रहो, वो अपना जीवन जी, इनके पेरेंट्स को ही बुला लेता। पर दिक्कत ये है कि इन्होंने अब ये कह रहा है कि शादी करने के लिए तीसरे आदमी से झाबुआ में वाली की है। अरे बेकार की बात है, हम तो जा ही नहीं रहे, फिर वही बेवकूफी की बात, उसने शादी करी है, इसने शादी करी, इसमें क्या फर्क पड़ता है अपने को। सीधी बात ये करो कि दोनों के बीच झगड़े को खत्म करो, ये एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस का तो कोई अंत है। आप बोलते तो ये शादी कर लिया, ये बोलते इन्होंने शादी कर ली, आपसी में झगड़ा शुरू हो गया, क्या अंत है इसका बताओ। हाँ वकील लड़ते रहेंगे, हम लोग सुनते रहेंगे, और तुम लोग पीछे बैठ के देखना, यही बार होगा और कुछ नहीं होगा ऐसा। इफ शी इज नॉट प्रिपेयर्ड लेट इट कम इन रेगुलर कोर्स। मैं ये तो खैर आवेश में आके जो भी कह रही हैं और जो भी अपनी भावनाओं के अंदर कह रही हैं वो उनका पूरा अख्तियार है, पूरा राइट है उनको, लेकिन हालात और पास्ट को देखते हुए कुछ बचा नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं इनसे, इनमें कुछ बचा नहीं और ना इनमें कोई ऐसी संभावना दिखती है कि कोई परवान चढ़े, नहीं लगता दूर दूर तक। लिहाजा ये दोनों जिंदगी एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हैं आपस में, आप अपनी जिंदगी को कलेश में बना रहे और आप भी अपनी जिंदगी में कलेश पाले बैठे। लिहाजा दोनों को मनोज इनको यही समझाना हमारा बाकी है कि आप अपनी अपनी जिंदगी जियो और इस बंधन से हटो। अभी हम 10 मिनट और कर क्या रहे हैं, मेरा तो मनोज से यही निवेदन है। अब ये तरीका ही यही बचा है मनोज, और कोई रास्ता ही नहीं बचा, कानूनन रास्ता तक भी नहीं बचा। यही तो कोशिश कर रहे हैं हम, वही उनको समझना चाहिए मनोज, इन दोनों को समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनका कहना है एक तो घर से निकाल दिया और डाइवोर्स भी ले लेना चाहिए, शादी भी कर ली। 14 साल वकील साहब, 2 साल बाद हमने बहुत समझदार है। अच्छा आपने फिर हमसे शादी क्यों की जब 2 साल बाद आपको शादी करनी थी? अगर आपको लड़ना था तो एक बिल्कुल झांसी की रानी की तरह मर्दानगी दिखानी थी और आप डंडा लेके इनके घर तक जाते, आप अपना हक मांगते। लेकिन 14 साल तक आपको एक तरफ से शांत होकर सोना, ये आपके हक को खुद जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल बेजान कर दिया है। ये वकील लोग ही तुम लोग को सिखाते हैं। कहावत बनी है मनोज, हम तो इनके माउथपीस है। कहती लड़के देख लड़ो, आज नहीं इनको कल समझ में आएगा कि क्यों कलेश में, रात में चैन नहीं, दिन में चैन नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, क्या है अपनी जिंदगी दोनों। वो पुरानी कब्र खोदने में लगे हैं,